सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं जस फ्रॉम सेवन जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। दोस्तों आज मैं आप लोगों से कुछ बात करने आया हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, सर बिजनेस को ग्रो करना है क्या करें, बिजनेस को ग्रो करना है क्या करें, बार 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 इस तरीके के मैसेजेस आते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे। मैं ये बोल रहा हूं अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपको क्या क्या चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप वो चीजें नहीं छोड़ेंगे तो बहुत मुश्किल है कि आप बड़ा बिजनेस कर पाए। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, ग्रो करना है, बहुत बड़ा इंसान बनना है तो आपको ये छोटी छोटी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, तभी एक बड़े इंसान और बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। देखिए आपने हमेशा सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं बिजनेस बड़ा करने के लिए आप ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो, लेकिन आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि आप क्या क्या छोड़ो जिससे कि आपका बिजनेस बड़ा हो। तो आज थोड़ा टॉपिक अलग है, थोड़ा सीरियस टॉपिक है और गौर से सुनिएगा क्योंकि मेरी हर लाइन में आपका बिजनेस बहुत ग्रो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक कि अपना बिजनेस कैसे ग्रो करें और उसके लिए हम लोग क्या क्या छोड़ें। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आराम के ऊपर। आराम, बहुत सारे लोग सोचते हैं जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो जाएं लेकिन आराम को नहीं छोड़ते, मतलब कंफर्ट जोन में ऐसे बैठे हुए हैं कि उनका दिल ही नहीं करता कि वो काम करें। मैंने बहुत बार, इवन मैं अपनी टीम की भी बात करता हूँ, हमारे सैलॉन्स की बात करता हूँ, वहाँ पे भी कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आकर के ना सिर्फ आके बैठने का काम करते हैं, कम्फर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते और फिर बोलते हैं जिंदगी बड़ी मुश्किल है, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। कम्फर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आएगा ना, आराम की जिंदगी जीना चाहते हो, आओगे बैठोगे घर जाओगे, कहां से सक्सेस मिल जाएगी आप लोग को। आराम अगर आप करोगे, देखो एक लाइन है मैं हमेशा बोलता हूं, आराम हराम है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, आराम हराम है, ऐसे नहीं बोलते, पहले की बातें हैं, बहुत मीनिंग है इन बातों में। आप आराम के साथ में जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं बोलता हूं आप काम करने जाते हो ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, सोचो नई नई आइडिया, सोचो और उसको इंप्लीमेंट करो, उसको करने के लिए ना एफर्ट्स लगते हैं, एफर्ट्स कौन डाले, ना ना ना, आराम करेंगे, बैठेंगे, टाइम देखेंगे, इतने बजे आना है इतने बजे जाना है, महीने की सैलरी लेनी है और फिर कहते हैं काम नहीं है आजकल, बिल्कुल मार्केट ठंडा पड़ा हुआ है, कॉम्पिटिशन बहुत है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, अगर आपने आराम के बाहर निकले ना तो जिंदगी में आप इतना कमाओगे कि आपने भी नहीं सोचा होगा। सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आराम से बाहर निकलो, देखो कितना काम मिलने वाला है आप लोगों को। तो पहली चीज आराम से बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो। कई लोगों को तो घर से बाहर निकलने का दिल नहीं करता, बोलते घर पे बैठे रहो आराम आराम से, बिल्कुल सक्सेस मिल जाएगी मुझे लाइफ में। कभी भी शॉर्टकट से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहली चीज आपको छोड़नी है आराम। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं गलत संगत की। गलत संगत, संगत जैसी संगत वैसी रंगत, सुना है ना आपने, कितनी बार बोला गया है। गलत संगत का मतलब बोल रहा हूं मैं, जहां पे ऐसे लोग आपके साथ में हो जो आपको काम करने से रोके। आपने कई बार सुना होगा अभी क्या करेगा इतना काम करके, क्यों करना है इतना काम, अबे इतना मिल रहा है इतना ही कर, जितना मिल रहा है उससे कम कर, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। ऐसे मिलेंगे, चल आज घूमने चलते हैं ना, क्या करना है छोड़ना, आज छुट्टी बंक मार, आज छुट्टी कर, आज बोल दे मेरी तबीयत खराब है, चल आज हम लोग वहां पे घूमने जा रहे हैं, चल यहाँ पे घूमने जा रहे हैं। अगर आप ऐसी संगत में रहे ना कभी भी जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, संगत ऐसी रखना जो आपको प्रेशराइज करे अच्छा काम करने के लिए, और अगर ऐसे लोग आपको नहीं मिलते ना, अकेले रहना अच्छा है, अकेले रहो, सोचो कि मैं काम को कैसे कर सकता हूं, लेकिन अच्छी संगत के साथ में रहोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। गलत संगत आपको गलत लैंग्वेज सिखाएगी, गलत संगत आपको काम करने से रोकेगी, ऐसे मत करो, गलत संगत को बिल्कुल छोड़ दो। देखो कि इंसान कैसा है, अभी गलत संगत की अगर मैं बात करूं तो आप उनको बस इतना टेस्ट करो कि सामने वाले कौन कौन सी चीजों पे हंसते हैं। अगर वो गलत चीजों पे हंस रहे हैं इसका मतलब कि वो गलत संगत है, अगर वो आपको गलत काम करने से नहीं रोक रहे हैं तो मतलब कि गलत संगत है। तो आपको ऐसी संगत देखनी है जो आपको अच्छा बनाए, जो आपको खराब बनाए, जो आपको काम करने से रोके, ऐसी संगत के साथ कभी रहना नहीं। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग मनी वेस्टेज के ऊपर। मनी वेस्टेज मतलब पैसा वेस्ट करना। देखिए बहुत सारे लोग, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने नया नया काम करना शुरू किया है, काम शुरू किया, सपोज वो जॉब पे कर रहे हैं या उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, पैसा आना शुरू होता है तो उन लोग को समझ में नहीं आता कि पैसों को लगाएं कहां पे, वो पैसा वो गलत जगहों पे वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और जो लोग पैसे की वैल्यू नहीं करते, वो कपड़ों पे हो सकता है, वो अगर लड़कों की बात करूँ तो लड़कियों पे पैसा वेस्ट करते हैं,
कपड़ों पे वेस्ट कर रहे हैं, जूतों पे वेस्ट कर रहे हैं, खाने पे वेस्ट कर रहे हैं, होटलिंग पे वेस्ट कर रहे हैं, क्यों? मुझे ऐसा लगता है पैसा, आप अगर इसको सही तरीके से यूज़ करोगे तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। लोग नशे में वेस्ट कर देते हैं पैसा, क्यों कर रहे हैं ऐसा मुझे समझ में नहीं आता। इन चीज़ों में कोई हैप्पीनेस भी नहीं, आप रोज़ रोज़ नए कपड़े भी लेके आओगे, कोई हैप्पीनेस नहीं है इसमें। पैसे को वेस्ट मत करो, पैसे को सही जगह पे लगाओ, और पैसे को जितना सही जगह पे लगाओगे उतना ही जिंदगी में आगे बढ़ोगे। पैसा वेस्ट मत करो, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो। इसके ऊपर मैं और बहुत बात करने वाला हूं आप लोगों से, डेफिनेटली बाद में बात करूंगा, लेकिन पैसा वेस्ट मत करो, पैसे को आप सेव करके चलो ताकि लाइफ में आपको कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो पैसे को वेस्ट मत करना। यहाँ पे मैंने बहुत बार देखा है लोगों को पार्टीज करने में बड़ा मजा आता है, बार 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 पार्टीज करेंगे, बार 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 घूमने जाएंगे, बार बार उन लोगों को दारू पीनी है, दारू पार्टीज करनी है। अरे क्यों करना है ये सब? आप अगर पैसे की इज्जत करोगी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी, दुनिया आपकी इज्जत करेगी। पैसे को इन्वेस्ट करो, वेस्ट मत करो। हमेशा ध्यान रखो, हर जगह पर मजा मत करते रहो, मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे मजा करना है, मुझे घूमना है, मुझे यहाँ पे। अरे मजा करते करते ना सजा बन जाएगी आप लोग के लिए। मजा हर टाइम पे सही नहीं है। आप लोग पैसे को वेस्ट मत करो, अर्न करो, सेव करो, आगे फ्यूचर के लिए आपके लिए अच्छा रहने वाला है। चलिए भी बात करते हैं टाइम के ऊपर। टाइम देखिए, अगर मैं बात करूँ ना, जितने भी बड़े बड़े आपके बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े आपके आपके दिमाग में जो भी नाम आ रहा हो बड़े बड़े बिजनेसमैन का, उन सबके पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन जो लोग अनसक्सेसफुल हैं वो ब्लेम करते हैं, अरे हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। लेकिन उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो टाइम को वेस्ट करते हैं। अच्छा, उन लोगों के पास बहुत टाइम होता है घूमने के लिए, फिरने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, कॉलिंग पे बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से लगे पड़े रहेंगे, लेकिन काम करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। उनको अभी बोलो घूमने जाना है, उनको बोलो अब डिस्को जाना है, उनको बोलो अभी पब जाना है, फटाफट रेडी हो जाएंगे। लेकिन जहां पे काम करने की बात आएगी वहां पे उन लोग के पास में टाइम होगा नहीं। उनको बोलो गॉसिप्स के लिए आ जाओ, फटाफट बैठ जाएंगे, एक दूसरे की बुराइयां करेंगे, लेकिन काम की बात करने के टाइम पे आते ही उनके पास में टाइम होता नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बता दूं, जो लोग टाइम की वैल्यू नहीं करते, टाइम इनको बहुत जल्दी सिखा देता है वैल्यू हर चीज़ की, और फिर वो बहुत दुखदाई होती है। वो ना आप संभल भी नहीं पाओगे जब टाइम आपको वैल्यू बताता है ना टाइम की, क्योंकि टाइम निकल चुका होता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, काम को कभी भी लिंगर ऑन मत करो, मतलब काम को कभी भी आगे के लिए मत छोड़ो। कोई भी काम आता है ना उसको पहले कर लो, फिर उसका फ्री हो गए फिर करो जो आपको करना है, काम निपटा लो पहले। जो लोग काम को कल पे छोड़ते हैं वो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होते। जो लोग काम को सोचते हैं बाद में कर लेंगे वो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल देने बैठ जाऊँ ना बहुत लंबा एग्जांपल हो जाएगा, बस जितना मैं बोल रहा हूँ, काम आपके पास आया, यहाँ काम आया और यहाँ आपको करना है, सब चीज़ें छोड़ दो। एक बार काम पूरा हो गया उसके बाद में आपको जो करना है आप वो करो, घूमना है फिरना है जो करना है करो, लेकिन पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी जो टाइम पे काम होना चाहिए। और दूसरा, मैंने बहुत बार देखा है कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बोलते हैं सर मुझे कोर्स करना था आपका, मुझे कोर्स करना था आपका, लेकिन मैं सोचते सोचते 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, टाइम निकल गया। वो टाइम आप वापस नहीं ला सकते। टाइम की वैल्यू यहाँ दिमाग में आ रहा है ना, कर लो। आपको कोई कोर्स करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको कुछ भी करना है, आपको काम शुरू करना है, लोग सोचते ही बैठे हुए हैं काम शुरू करना है, काम शुरू, काम के लिए टाइम नहीं है। देखिए टाइम को वैल्यू करो ताकि लोग आपकी वैल्यू करें। जिस दिन आपने टाइम की वैल्यू करनी शुरू कर दी, लोग आपकी वैल्यू करेंगे। और अगर आपको बड़ा इंसान बनना है तो आज से ही, सबके पास 24 घंटे हैं, आपके पास भी और बड़े लोगों के पास भी, तो अभी से ही डिवाइड कर लो कि मेरे को ये टाइम पे ये काम करना है। सही टाइम पे सही काम आपको हमेशा ऊपर लेके जाएगा, बड़ा इंसान बनाएगा, और बहुत बड़ा काम आप कर सकते हो अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया और टाइम को आपने समझ लिया। चलिए अभी मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से फेक लव के बारे में। फेक लव, लव के बारे में बात नहीं कर रहा, फेक लव के बारे में बात कर रहा हूं। फेक का मतलब होता है झूठा, झूठा प्यार दिखाना। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको ये बोलेंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके मुश्किल घड़ी में आपके साथ होंगे, वो आपके लिए खड़े होंगे, वो आपका साथ देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर इंसान ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पहचानना पड़ेगा कौन आपके साथ
पूरी जिंदगी रहने वाला है या सच्चा है जो आपको सही राय देने वाला है। उस पहचान को करने के लिए कोई भी आपको आकर के बड़ी बड़ी बातें करे ना कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो तुर्रम खां हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, तो उनको ना टेस्ट कर लेना। आप कभी भी किसी के साथ भी रिलेशन बनाते हो, वो आपके टीम के साथ हो, आपका किसी के साथ रिलेशन हो, या मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा मत दिखाना। वहाँ पे ना अपनी वीकनेसेस दिखाना, वहाँ पे आप ऐसा दिखाना कि आप आपके पास कुछ है नहीं। अगर उसके बावजूद भी इंसान आपके साथ हो तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है। और तकलीफ अगर नहीं भी हो ना, तब भी सामने वाले के सामने बोलना कि मुझे ये तकलीफ है, और उस तकलीफ में अगर वो आपके साथ में होता है तो इसका मतलब कि वो इंसान आपके साथ पूरी जिंदगी आपको हेल्प करने वाला है। नहीं तो बहुत सारी बार कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ बहुत अच्छा करूँगा, और पीठ पीछे कुछ और चल रहा होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं एक बात और इसमें बोलना चाहूँगा कि सैम मैम एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक, मतलब अभी तक मेरे अभी तक के लाइफ में, और मुझे ये पक्का विश्वास है कि मेरे एंड तक वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। सैम मैम ने उस टाइम पे मेरा साथ दिया था जब मैं कुछ भी नहीं था, और उस टाइम पे उन्होंने मेरा हाथ थामा और उन्होंने बोला कि हम दोनों मिलके दुनिया जीतेंगे, दुनिया को हेल्प करेंगे, हम दोनों मिलके करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर साथ आपके साथ ऐसा है, वो आपकी टीम की बात करूं तो जैसे मैं अगर टीम की मेरे बहुत जो क्लोज हैं, जैसे मेरे दिव्या की बात करूं, वो तो मेरी बेटी है, डैनी की बात करूं, और बहुत सारे मेरे ऐसे टीम मेंबर्स हैं जिनकी वजह से आज हमारा ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। बाकी बातें करने वाले बहुत सारे लोग आए, बातें करने वाले, धोखा देने वाले भी बहुत से लोग आए, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन अगर आप फेक लव के चक्कर में पड़ गए, बहुत नुकसान में आएंगे। तो इंसान पहचानो, और इंसान पहचानने के साथ उसके साथ साथ ही आपको आगे बढ़ना है, ये चीज़ ध्यान रखना। विश्वास उस पर करना जो साथ दे, और उसको आपको कोई भी अगर तकलीफ नहीं भी है ना, तब भी बताओ, और फिर देखो उसका क्या रिएक्शन रहता है। अगर तो भाग गया तो बच गए, और अगर साथ है तो फिर उससे बड़ा अच्छा साथ आपके ज़िंदगी में होगा नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरी लाइफ में, कभी मौका मिला तो आपको बताऊंगा उनके बारे में जो फेक लव थे। बाकी थैंक्स टू सैम मैम, आज उनकी वजह से और हमारी टीम की वजह से, दिव्या की वजह से आज हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो फेक लव से बचो, और जो लोग अच्छे हैं उनका साथ ज़रूर लेना, साथ में छोड़ना मत, ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। और मेरा पर्सनल कहना ये है कि जो प्यार है ना, वो बातों में नहीं है, वो एक्शंस में है। तो आप एक्शंस देखो, उसके बाद में डिसाइड करो। तो फेक लव से बचो अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। चलिए मैं बात करूँगा एडवाइस के ऊपर, राय लेना, एडवाइस लेना। मैंने ऐसे बहुत बार देखा है, बहुत सारे लोग ना सब किसी से एडवाइस लेते रहते हैं। मेरे पास आएंगे तो मुझसे पूछेंगे, किसी और के पास जाएंगे दोस्त से पूछेंगे, उसके पास बैठेंगे दोस्त से पूछेंगे, एक ही बात 10 लोगों से पूछेंगे। और ऐसे तो बहुत ज़्यादा लोग देखे हैं मैंने, जिसके पास जाएंगे, अरे मेरे को क्या करना चाहिए, ए मेरे को ऐसा करना चाहिए, ए मुझे वैसा करना चाहिए, ए मैं सोच रही हूँ मैं ऐसा करूँ क्या। अभी मैं उनके लिए क्या बोलूँ, ऐसे लोग ना सिर्फ एडवाइस पे ही रहते हैं। होता क्या है, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, मेरी लाइफ के गोल सेट हैं, मुझे क्या करना है, मेरे विजन्स बिल्कुल क्लियर हैं, मेरे विजन्स मुझे पता है, मेरे स्ट्रेंथ मुझे पता है, मेरी वीकनेस मुझे पता है। मैं एक ही चीज़ अगर 10 लोगों से पूछूंगा, 20 लोगों से पूछूंगा, 50 लोगों से पूछूंगा, सबके आंसर्स अलग आएंगे, कन्फ्यूज हो जाओगे आप। आप देखो आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, आप देखो आपके अंदर वीकनेसेस क्या हैं, आप देखो ये काम करने में आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, अभी जो गोल आपका है, जो विजन आपका है, जो लोग वही चीज कर रहे हैं, तो आप उनसे एडवाइस ले सकते हो, तो आपको इन एंड आउट पता लगेगा। लेकिन जो लोग किसी और काम को कर रहे हैं, सपोज अगर मैं बात कर रहा हूं कि मेरी एकेडमी है, मैं एकेडमी को और कैसे ग्रो करूं, कैसे और लोगों को अच्छा और पढ़ा सकूं, तो मैं उसी से पूछूंगा ना जो ऑलरेडी ये काम कर रहा है। मैं किसी फैक्ट्री वाले के पास जाऊंगा तो वो क्या बोलेगा, वो अपनी बात की कहानी बनाएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, अपॉर्चुनिटी मिली और उन गधों ने जाकर के और गधों से जाकर के एडवाइस ली, जो वो और काम कर रहे हैं, जो ये काम नहीं कर रहे, तो वो अपॉर्चुनिटी मिली मिली भी निकल गई उनके हाथ से। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, एडवाइस उससे लो जिसने जिंदगी में ये काम किया और उससे सक्सेस मिली, तो वो आपको सही राय देगा। मुझसे अगर आप आकर के पूछो कि भैया पायलट कैसे बनूं, तो मैं आपको राय नहीं दे पाऊंगा। आप मुझसे पूछो
कि मैं फैक्ट्री कैसे चलाऊं तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, मैं वही चीज बता पाऊंगा जो काम मैं कर रहा हूं। तो जो काम आप कर रहे हो उसी चीज की एडवाइस उसी इंसान से लो जो कर रहा है, मतलब आपके मेंटोर्स। आप अपना मेंटोर चुनो, उनके पास जाओ, आपके टीचर्स के पास जाओ, उनसे राय लो। आप हर किसी से पूछते रहोगे तो कैसे चलेगा। तो एडवाइस उससे लो जिसको पता है, हर किसी से जा करके एक ही बात मत पूछो, कंफ्यूज हो जाओगे। जितने लोग उतनी बातें उतना आप दिमाग में और ज़्यादा, लेकिन जो काम करने के लिए आपका दिल और आपका दिमाग, आपका दिल और आपका दिमाग दोनों चीज़ हाँ करें वो काम कर डालना, क्योंकि वो काम करने में आप सक्सेस होने ही वाले हो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचोगे तो वहाँ रुक जाओगे। तो यही बोलूँगा कि ज़्यादा एडवाइस के चक्कर में मत पड़ो, अपना दिल और अपना दिमाग ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आता है और काम आपको करना है तो बिल्कुल कर डालना। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग परफेक्शन की। परफेक्शनिस्ट सुना है ना आपने, आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट, और बहुत सारे एक्टर्स के बारे में आपने सुना होगा परफेक्शनिस्ट। मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, परफेक्शन एक बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है, जिन लोगों को ये बीमारी होती है वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। उन लोग की बीमारी कैसे है, उन लोग का कहना ये है कि मैं हूँ तो परफेक्ट हूँ, मेरे आसपास के लोग हों परफेक्ट हो, मेरी टीम हो परफेक्ट हो, मेरे घर पे मेरा बेटा हो परफेक्ट हो, बच्चे हो परफेक्ट हो, वाइफ हो परफेक्ट हो, हर जगह पे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, घर हो तो परफेक्ट हो। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको हर वक्त स्ट्रेस ही देने वाली है। या मेरे को अगर काम करना है तो मैं परफेक्ट ही काम करूँगा, या मेरी अगर टीम ने काम किया तो परफेक्ट ही काम होना चाहिए। जो लोग इसके ऊपर काम करते हैं वो लोग एक तो दुखी बहुत ज़्यादा रहते हैं और दूसरा काम कर भी नहीं पाते। या ये काम मैं तब शुरू करूंगा जब मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगा। मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूं। आप कभी भी यूट्यूब की आप हमारी वीडियोस देखना, पहली वीडियो देखना और आज की वीडियो देखना, हम लोग ने ना इम्प्रूव किया। जब हम लोग ने शुरू किया था मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं था कि कैमरा क्या होता है और चीज़ें क्या होती हैं, लाइट्स क्या होते हैं, लेकिन हम लोगों ने शुरू कर दिया। करने के बाद में रोज़ एक नई चीज़ सीखते थे, रोज़ गलती करते थे, रोज़ सीखते थे, रोज़ गलती करते थे, रोज़ सीखते थे। डेली डेली काम करने के बाद में आप सीखते हो। या एग्जांपल के तौर पे आपने कोई एक नया प्रोडक्ट शुरू किया, वो प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, आप उससे फीडबैक लेते हो, आप उस प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्रोवाइज करते हो, धीरे करते 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 गलतियों से आप सीखने के बाद में उस प्रोडक्ट को बेस्ट करते हो। जैसे आज हमारे वीडियोज देख रहे हो, मेरे ख्याल से आज हमारी वीडियोज इतनी बेस्ट है हर चीज से। तो कोई भी चीज अगर आपको परफेक्शन के साथ करनी है तो टाइम निकल जाएगा। आपको काम करना है, आपका दिल है काम करने का, शुरू कर दो। आपको कोई भी काम करना है, आपको कोर्स करना है, कोर्स के बाद में आपको काम शुरू करना है, काम शुरू करने के बाद में आपको 2 सैलून करने हैं, आपको 10 सैलून करने हैं, शुरू कर दो। आप लोग जितना परफेक्शन के चक्कर में पड़ोगे उतना आप डिले हो जाओगे। तो मैं आपको यही बोलूँगा, ज़्यादा परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, काम करने के चक्कर में पड़ो, एक्शंस लेने के आप हमेशा रेडी रहो, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। तो परफेक्शन के चक्कर में ज़्यादा पढ़ना नहीं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, अगर आपको कुछ बड़ा करना है, सपोज साइकिल की आप लो, आप पहले साइकिल चलाना सीखते हो, फिर परफेक्ट साइकिल चलाना सीखते हो, फिर आप बाइक पर जाते हो, फिर आप गाड़ी पर जाते हो, फिर आप बड़ी गाड़ी पर जाते हो, तो एक ये पूरे प्रोसीजर है। परफेक्ट बनने का भी प्रोसीजर यही है, छोटे से शुरू करो उसमें परफेक्ट हो, फिर और आगे सीखो फिर उसमें परफेक्ट हो, फिर उससे बड़ा लो फिर परफेक्ट करो, यही चीज़ आपको काम में काम आएगी। आप एक बार शुरू करो और करते 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 आप देखोगे कुछ टाइम लगेगा लेकिन आप परफेक्ट होने वाले हो। लेकिन आज परफेक्शन के चक्कर में रुकोगे तो गाड़ी निकल जाएगी। तो इसलिए काम शुरू करो। अभी देखिए कितनी सारी बातें कर ली, बातें बहुत सारी हैं करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर छोड़ने की बात है तो आप लोगों को बैड हैबिट्स छोड़नी चाहिए, आप लोगों को बैक बाइटिंग छोड़नी चाहिए, आप लोगों को धोखा देना छोड़ना चाहिए, किसी से जेलस ना होना ये हमें सीखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लोगों को खुश करना हमें छोड़ना चाहिए। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, जो चीज़ सही है सही तरीके से करो। खुश नहीं कर सकते आप हर किसी को, अगर आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो तो मुझे लगता है आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। राइट चीज़ें करो। और अगर मैं बात करूँ सेल्फिश, जो लोग सेल्फिश होते हैं उनको ऐसा लगता है टेम्परेरी टाइम के लिए कि उनको बहुत कुछ मिल गया, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होता। धोखा देना, भरोसा तोड़ना, सेल्फिशनेस, बैड हैबिट्स, बैक बाइटिंग, ये सब चीज़ों को हमको छोड़ना पड़ेगा, तभी ज़िंदगी में हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है और ये कहीं पे भी काम आती है आपके। ये ज़रूरी नहीं सिर्फ बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ आप कहीं पे भी हो, आप ऐसे इंसान कहीं पे भी हो, अगर आपके अंदर ये
सब चीज़ें नहीं हैं तो लोग आपसे ज़्यादा प्यार करेंगे, ज़्यादा भरोसा करेंगे, ज़्यादा चाहेंगे कि आप उनके साथ रहो। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, किसी की भी वीकनेस पे आप हंसो मत। आप जो लोग आपके साथ, सपोज आप काम कर रहे हो, आप कोई नया मेंबर आपके यहाँ पे आता है और वो आपके जितना नहीं जानता, मैंने ऐसे कई बार देखा है लोग उन पे हंसते हैं, उनकी वीकनेसेस पे हंसते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, दिव्या को सब जानते हैं हमारे यहाँ पे। दिव्या आज हमारी टीम में अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी हेड है, आज एक रोल मॉडल भी है दिव्या। अगर मैं सैम मैम के बाद में बात करूँ तो दिव्या को मैं एज ए रोल मॉडल देखता हूँ, सब बच्चे बहुत प्यार भी करते हैं दिव्या को। शुरू शुरू की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे जब उन्होंने हमें ज्वाइन किया था आफ्टर द क्लास, पहले उन्होंने हमारे अकेडमी ज्वाइन किया था, अकेडमी के बाद में उन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो जब वो आते थे अकेडमी के अंदर तो जो उनके सीनियर्स थे जो मेरे साथ बैठा करते थे, हम लोग मीटिंग्स जब करते थे तो बाहर उसको पहले तो मीटिंग में आने नहीं देते थे, और बाहर अगर उसने अपना कोई आइडिया शेयर किया, बिकॉज आई हैव सीन दिव्या हैज़ गॉट लॉट ऑफ आइडियाज़ हाउ टू ग्रो, कैसे काम करना है, और काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि दिव्या आज हमारे मेन हेड्स में से हैं, तो आप समझ सकते हो कि उसके पास कितने अच्छे आइडियाज़ होंगे और कितनी अच्छी चीज़ें कर रही होगी। लेकिन जो उसके साथ के लोग थे वो उस पर हंसा करते थे और वो चाह के भी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, क्योंकि उस टाइम पे नई भी थी, बोलना भी नहीं आता था, और जब अगर बोला कहीं थोड़ी ऊंच नीच हो गई तो लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। तो बेसिकली उसको उसकी जो वीकनेस की वजह से, कुछ वीकनेसेस की वजह से उसको और दबाया गया, तो उसको मोटिवेशन नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है। अगर आप किसी के अंदर कोई वीकनेस देखते हो, आप सबको करना चाहिए। और एक बार हम लोग बैठे हुए थे तो मैंने स्पेशल दिव्या को बुलाया, मैंने उनको बिठाया, मैंने बात की, मुझे वहाँ से पता लगा कि दिव्या के अंदर बहुत टैलेंट है। फिर वहाँ से दिव्या की ट्रेनिंग शुरू हुई और आज आप लोग के सामने हैं। दिव्या इज़ वन ऑफ द हमारे टीम के हेड्स में हैं और उनकी हर बात सुनी जाती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि मैं दिव्या से पूछ के ना करूँ, डिस्कशन हम सबका रहता है, दिव्या से भी पूछा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास में कोई आता है, वीकनेस का मजाक मत उड़ाओ, और जो लोग मजाक उड़ाते हैं वो बेसिकली डरे हुए होते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। कोई आपका मजाक उड़ा रहा है ना आपकी वीकनेस का, समझ लेना कि वो आपसे डरा हुआ है, इसलिए आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपको आगे नहीं बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि आप आगे ना बढ़ पाओ। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, जो लोग इस तरीके का काम करते हैं वो खुद जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। वो कहते हैं ना, जो दूसरों को गिराता है पहले खुद ही गिरता है, तो दूसरों का मजाक उड़ाने वाले कई बार खुद भी मजाक बन जाते हैं। तो बस मैं यही बोलूँगा कि आप लोग दूसरों का मजाक ना उड़ाएं, दूसरों को सपोर्ट करें, हेल्प करें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जो सिचुएशन आज है वो पहले आपकी भी हुआ करती थी, आपके लिए आगे भी होने वाली है। तो सब एक चेन बना लो, मुझे ऐसा लगता है, और ज़रूर इस चीज़ को आप लोग इम्प्लीमेंट करें। तो ये आज के जो टॉपिक्स थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ज़रूर इस पर अमल करेंगे, और थोड़ी सी कड़वी बातें थी, मुझे ऐसा लगता है कई लोगों को पिंच भी करेंगी, और अच्छी बात है पिंच करें तो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अकेडमी में आओ, आप कहीं पे भी जाओ, वेल विशर्स ही आपको ये बातें करेंगे। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तभी ये चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। अगर आप ये इनमें से कोई भी, अभी अगर मैं बात करूँ छोड़ने की तो और बहुत सारी बातें हैं, कोशिश करूँगा अगर कोई दिमाग में बात आई तो मैं उसको भी शेयर करूँगा आपसे। लेकिन आज के ये टॉपिक्स मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, इसको शेयर ज़रूर करना। शेयर इसलिए करना क्योंकि आज की जो नई जनरेशन है, हमारे जितने भी नए बच्चे हैं अकेडमीज़ के हों और जो इसको देख रहे हैं, जितने भी नए बच्चे, उन लोग को थोड़ा सा आइडिया मिले कि आप लोग क्या क्या चीज़ें छोड़ें जिससे कि आप बड़े इंसान बन सकते हैं। और इसी के साथ आज मैं थैंक्स बोलूँगा कि आपने इतना बड़ा आज का जो टॉपिक है वो बैठ के सुना, और जिन्होंने ये एंड तक सुना है वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे, मैं आप लोग को वादा कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो ये करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाकी मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोग को हमारी अकेडमी जाना है, क्योंकि हमारी अकेडमी में जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, जितने भी हमारे फैकल्टीज़ हैं, उनके अंदर भी हम लोगों ने कूट कूट के ये फंडामेंटल्स डाले हुए हैं। तो अगर आप हमारी अकेडमीज में आते हो तो आपको ये सब छोटी छोटी इसी तरीके से जो आइडियाज़ हैं, शेयरिंग है, अच्छे काम करने के लिए हैं, तो बिल्कुल डिस्कस होगा। और आपको आना है तो आप बिल्कुल हमारी वर्सोवा अकेडमी आ सकते हैं, हमारी डोंबिवली मुंबई के अंदर है, वर्सोवा और डोंबिवली आप बिल्कुल आ सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा अभी हम लोग बहुत सारे स्टेट्स में भी हैं,
आप पता करो, ये नंबर्स पे ही पता करो। बाकी आपको और भी किसी टॉपिक पे देखना हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर भी आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियोज़ बना के भेजूँ ताकि वो आप लोग के काम आए। बाकी शेयर ज़रूर कीजिएगा इसके, जितना आप शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के बहुत काम आने वाली है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे, तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा उन सबको। बाकी देश को बढ़ाने के लिए जो भी हो सके हम सबको मिलकर ही करना है, और इस मुहिम में सैम मैम और हमारी पूरी टीम इसी मुहिम में लगी हुई है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी मुहिम में हमारे साथ हों और ज़िंदगी में बहुत बहुत आगे बढ़ें। अपना भी ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, और हमारे देश को बढ़ाने के लिए जो भी हो सके हमें मिलकर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।